नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और आज का ये शो बेहद ही खास है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेंडशिप डे। वैसे तो कल इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, लेकिन आज हमने इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे। थोड़ी बहुत चर्चा दोस्ती पर भी होगी और थोड़ी बहुत चर्चा उस पर भी होगी कि कैसे आप अपने दोस्त के लिए टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्ती सबसे प्यारा रिश्ता होता है। बाकी सब रिश्ते तो कहते हैं ऊपर से बनकर आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद चुनते हैं। आप अपने दोस्त को वो सब बता सकते हैं जिसे आप किसी दूसरे को बताने में शायद डरते हैं। एक दोस्त हर पल अपने दोस्त का साथ देता है, उसी तरह अपने दोस्त का सही चुनाव करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो निर्णय आपके हाथ में है। और ऐसा दोस्त जो आपको हर तरीके से सही रास्ता दिखाए, सही सुझाव दिखाए, वही एक सच्चा दोस्त होता है। तो चलिए, इस मौके पर जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कुछ दोस्ती की, कुछ किस्सों की, और इसके अलावा इसके ज़रिए थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने दोस्त की सही तरीके से टैक्स प्लानिंग करने में मदद कर सकते हैं, और इनफैक्ट दोस्तों के ज़रिए भी आपकी टैक्स प्लानिंग किस तरीके से हो सकती है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर कौशिक, को फाउंडर एंड CEO taxplanner.com से। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए इस खास दिन पर। सर, थोड़ा एक लाइटर नोट पर आपसे मेरा सवाल होगा। अक्सर हम देखते हैं जब 31 जुलाई ये डेडलाइन ITR की जब आने लगती है, एक मैसेज भी काफ़ी वायरल हुआ था, पता नहीं आपने वो देखा कि नहीं, लेकिन उसमें एक दोस्त एक कोई पुराना मैसेज आता है, अपने पुराने दोस्त को भेजता है और वो CA होता है, तो ITR के समय वो भेजता है, कहता है मेरा ITR फाइल करने में मदद कर दे। क्या इस तरह के मैसेजेस पुराने दोस्तों की तरफ से आपको भी आते हैं? आपके सर्कल में इस तरह के मैसेज आते हैं? पूजा, जरूर आते हैं, और दोस्ती ऐसे वक्त पे काम आना जरूरी है, और उन दोस्तों को नहीं तो फिर वो हमें याद भी नहीं करेंगे किसी तरह से। तो इसलिए वो मुसीबत के समय कहते हैं ना, दोस्त काम आते हैं। टैक्स तो वैसे ही एक मुसीबत लगती है लोगों को, और उसकी भी अगर आखिरी तारीख है तो वहां पर दोस्त को मदद करनी ही पड़ती है। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो प्रोफेशनली भी हैं और कुछ स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तो अच्छा लगता है कि हम किसी के इस तरह से इस बहाने याद कर लेते हैं। हालांकि मैं तंग भी कर देता हूँ कभी कभी उनको, मतलब थोड़ा सा डांट लगा देता हूँ कि लास्ट मिनट पे क्यों आए हो। और दोस्त ऐसे ही होने चाहिए कि भले ही साल भर बात नहीं हुई हो, कई कई साल पर हमने फोन किया हो, लेकिन अगर एक फोन कॉल दूर होने चाहिए जब भी हमें जरूरत पड़े तो वो हमारे साथ खड़ा हो। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सर, अक्सर हमने देखा है, शुरुआत में थोड़ा स्टार्टअप के साथ करूंगी, क्योंकि हमने देखा कि देश के स्टार्टअप में फ्रेंडशिप डे की शानदार मिसाल पेश की है। कुछ ऐसे बॉन्ड्स बने हैं स्टार्टअप के जरिए फ्रेंडशिप के, जिसमें कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओला कैब, नायका, स्विगी, अगर इनके आप फाउंडर्स को, फाउंडर्स पार्टनर्स को देखेंगे, बिजनेस पार्टनर्स को, तो ये काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। तो देखिए, एक अच्छी दोस्ती, ये हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे, देखिए जब अच्छी दोस्ती होती है, दोस्त घनिष्ठ होते हैं, सही बिजनेस पार्टनर होते हैं, तो उनका विजन भी क्लियर होता है, एक बढ़िया प्लान बन सकते हैं। कहते हैं एक फ्रेंड एक फैंटास्टिक बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने भी हैं। बड़े प्लेयर्स और अपने अपने अगर स्पेस की बात करें, अपने अपने बिजनेस की बात करें, तो एक मार्केट लीडर के तौर पर इन्होंने अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर दिया है, देश की तरक्की में ये सभी काम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि क्या फ्रेंड्स एक बिजनेस पार्टनर बेहतर बन सकते हैं, कमाल के स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और ऐसे में कुछ टैक्स फ्रेंडली एडवाइस दीजिए, जो कि अगर कुछ दोस्त अगर इस तरह का स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए टैक्स एडवाइस क्या होगी आपके लिए? एक तो जैसे आपने कुछ नाम बताए तो मैं ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान की जो बहुत बड़े अंबानी और अदानी जिन्हें हम जानते हैं नाम से, वहां पर भी दोस्ती की मिसाल है। उसमें भी उनके जो अपने खास मित्र हैं वो उनका साथ दे रहे हैं अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि दोस्ती में सिर्फ ये बिजनेसेस हैं, और इसके अलावा जैसे टैक्सपेनर में भी वी हैव स्टार्टेड लाइक ए फ्रेंड फ्रॉम ए गैरेज, तो वो दोस्ती में बहुत सारा एक दूसरे से हम खुल करके बात कर पाते हैं, जो कि कई बार बाकी जगह नहीं होती है कि यार मेरे घर में अभी पैसे की दिक्कत है, तुम ज्यादा
फंड कर सकते हो या अभी मेरे पास ज्यादा है तुम मुझे ज्यादा हिस्सा दे सकते हो, तो ये बातें हो जाती हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा स्टेबल बिजनेस को बनाने के लिए इन बातों को पूरी एक होता है ना बिजनेस माइंड से करना चाहिए, इमोशनल ज्यादा इसमें एक दूसरे के साथ प्ले ना करें। सपोर्ट करना अच्छी बात है लेकिन बिजनेस की जो टर्म्स होती हैं उसको हम बिजनेस के तरीके से करेंगे तो दूर तक जाती है चीजें, उसमें हम अपनी दोस्ती को सपोर्ट करने के लिए रखें ना कि उसको यूज करने के लिए कि मैं इसका फायदा उठा लूंगा, वहां पर नुकसान भी हो सकता है। तो एक तो ये है, दूसरा जैसे आपने बात की स्टार्टअप इंडिया की, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत तरीका है आपकी दोस्ती को आगे बढ़ाने का, जहां आप मिलकर के अपने थॉट्स अपने वैल्यूज को, क्योंकि एक जैसे होती है तभी दोस्ती होती है ज्यादातर, तो उसको आप बिजनेस इनोवेशन के थ्रू आप आगे बढ़ाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो काम कर रहे हो। और एक बड़ा विजन जो हम ले लेते हैं कई बार उस उम्र में जहां पर दोस्ती ज्यादा होती है स्कूल में या जब हम MBA CA करते हैं प्रोफेशनल कोर्स, वहां पर जो नेटवर्क हम बना लेते हैं पूरी जिंदगी काम आता है और वो नेटवर्क हमें आगे ले जाता है। तो अगर हमने कोई विजन देखा है किसी प्रोडक्ट का किसी सर्विस का, जरूर करें। और स्टार्टअप में 3 साल तक तो कोई टैक्स नहीं है, आप अपनी कंपनी से सैलरी ले सकते हैं, आप अपनी कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं जो कि बाद में आपको करोड़पति या शायद उससे भी ज्यादा आजकल मिलियन बिलियन वाली कंपनी भी बनने लगी है। तो वो सब कुछ सपने देख सकते हैं और वो पॉसिबल है क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक है हमारी जो कंट्री का जो ग्रोथ है वो अभी मुझे तो लगता है 25-30 साल पक्का होना है, चाहे वो अब हम उसको कितना भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है लेकिन ओवरऑल ग्रोथ होनी है क्योंकि हम लोग बड़े ही एम्बिशियस हो चुके हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो रहा है। इसके अलावा आप आपस में लोन भी दे सकते हैं और इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। ये जो बिजनेस के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इक्विटी मिलती है तो उसकी एक हिस्सेदारी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए बन जाती है। तो स्टार्टअप का एक और फायदा, इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, बाहर से पैसा लेना है या कभी शेयर लिस्ट कराना है, आपको SME में लिस्ट कराना है NSE में लिस्ट कराना है, अगर इतने बड़े सपने नहीं है तो इनको अब बना लीजिए क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल है, कर पा रहे हैं लोग यहाँ पर और पैसा भी बहुत आ रहा है बाहर से भी और यहाँ म्यूचुअल फंड में भी काफी इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कोविड के बाद, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आप। लेकिन एक ईमानदारी से और अच्छी सोच, एक नया बिजनेस आइडिया जो अभी लोग कम कर रहे हों ताकि वो उसी के लिए स्टार्टअप के लिए पैसा मिलता है, 5 करोड़ रुपए तक सरकार देती है बिना किसी सिक्योरिटी के, ये स्टार्टअप के फायदे हैं। लेकिन ये DPIIT में रजिस्टर होना चाहिए, वहां की सर्टिफिकेशन जरूरी है तब मिलता है। इसके अलावा इसमें एक और फायदा है, आप अगर दोस्त जैसे बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो दोस्त आपकी कंपनी में नहीं है किसी वजह से, आप उसको कोई बिजनेस आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, आप उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं अगर वो प्रोफेशनल है। सपोज करो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ लेकिन मैं आपके बिजनेस में ज्वाइन नहीं कर सकता, तो आप मुझे अपनी, तो दोस्ती में बहुत कुछ भरोसे पर काम चलते हैं और एक दूसरे को बताया जाता है और इसमें फाइनेंशियली भी आप सपोर्ट कर रहे हो। सपोज करो आपकी पोजीशन अच्छी है तो आप अपने दोस्त की मदद कर रहे हो, उसकी पोजीशन अच्छी है तो आपकी मदद कर रहा है, तो ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड ऐसा कहा जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है और खुशी खुशी काम करें, मैं तो कहूंगा फ्रेंडशिप डे पर सबको बहुत बहुत बधाई और कुछ बढ़िया दोस्ती बनाएं और पैसा भी बनाएं। बिल्कुल बढ़िया दोस्त बनाएं, सुधीर सर जैसे अगर दोस्त हो, टैक्स प्लानर हो, बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपके साथ हैं तो फिर तो सोने पर सुहागा, फिर तो आपकी मदद काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकती है। सब तो आप अभी स्टार्टअप की बात कर रहे थे, कुछ टैक्स नियम की भी बात कर रहे थे, थोड़ा हम आपसे समझना चाहेंगे इसको थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि अभी बजट भी आया और उसमें भी वित्त मंत्री ने इस पर फोकस किया कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ उन्होंने घोषणाएं की, वो भी ज़रा एक बार बताइए कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं इस बजट में। देखिए क्योंकि हमारे यहाँ जॉब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और जॉब क्रिएशन का ये एक बेहतर तरीका है, और क्योंकि आप हर जगह ये कहेंगे कि आरक्षण हो जाएगा या कोई सरकार पेंशन दे देगी, वो सब कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास बजट नहीं। तो सरकार ने ऐसे में अपने जो इंटर्नशिप वाले जो कोर्सेज हैं ताकि उनके पास सीखने के लिए ज्यादा हो, प्राइवेट सेक्टर से भी उनको कुछ गारंटी स्कीम्स कराई हैं, प्लस अपने जो फंडिंग है उसको भी बढ़ा दिया है। अगर 10,000 करोड़ रुपया सरकार ने रखा है इसके लिए स्टार्टअप के लिए, तो अभी तो वो 10,000 करोड़ खर्च भी नहीं हुआ है। तो जिन लोगों को सरकार से उस पैसे की जरूरत है उसे कहते हैं फंड्स ऑफ फंड्स, वो सरकार ने बनाया ही इनके लिए स्टार्टअप के लिए। आप उसकी एलिजिबिलिटी तब होगी जब आप DPIIT में रजिस्टर होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज है,
वो इसमें अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो प्रोफेशनल फर्म्स हैं, चाहे वो टैक्स प्लानर या किसी भी कंपनी के थ्रू, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू करिए। और उसमें आपको ये जो सरकारी जितनी भी हैं, जो मैंने आपको बताया कि कोलेटरल फ्री लोन भी मिलता है, वो उसका सही तरीका बताते हैं, वो आपको कैसे रजिस्टर करनी है, कंपनी में क्या शर्तें रखे हैं, किस तरह से मेमोरेंडम आर्टिकल्स हो, या फिर आप LLP क्यों बनाएं। ये जैसे डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा ना, और वो डॉक्टर ही आप सीखोगे तो कितना सीखोगे। तो इसलिए मैं तो कहूंगा उसको अपना साथी बना लो, एज ए प्रोफेशनल फ्रेंड भी फ्रेंड होते हैं, और वो बहुत कई बार आप देखो 20 साल 50 साल लोगों के काम के साथ साथ उनकी दोस्ती भी चल रही है। तो उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करना, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। वो काम प्रोफेशनल फर्म्स कर रही हैं और उसके साथ ही करना चाहिए। तो स्टार्टअप आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, उसकी मार्केट क्या है, और उस मार्केट में आपकी प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट करेगी, कैसे स्केल करेगी। जो चीज स्केल नहीं हो सकती, बढ़ा नहीं सकते जिस बिजनेस को, वो शायद करना आप अपना, वो कहते हैं ना, पैसे पे कुल्हाड़ी ना मारें। कई बार लोग कुछ भी करने के लिए लग जाते हैं, थोड़ा सा उसको डिटेल में डिस्कस करें अपने दोस्तों के साथ या किसी प्रोफेशनल के साथ, नहीं तो मेंटोर्स भी होते हैं आजकल जो आपको सलाह देने के लिए आपकी कंपनी में थोड़ा पैसा भी डाल देते हैं और अपना समय भी देते हैं। आप उनके साथ भी अपना जुड़ सकते हैं। ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे इंडियन एंजल इन्वेस्टर है जिन्होंने हमारी मदद की थी जब हमने टैक्स प्लानर बनाया था 2007-08 में, तो हमें भी उनकी हेल्प मिली थी। तो आपको किसी न किसी के साथ जुड़ना चाहिए ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो कम हो जाएं और नुकसान ना हो, वरना कई सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं सिर्फ इसलिए, और वो क्योंकि उन्होंने सही तरह से प्रोडक्ट का या सर्विस का दूर तक सोचा नहीं। तो स्टार्टअप के अलावा भी कई तरीके हैं जहां आप दोस्ती में एक दूसरे के काम आ सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप इजाजत दो तो मैं उसका भी कुछ आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जहां बिल्कुल स्टार्टअप के बिल्कुल अलावा। सर, कुछ एग्जांपल्स के जरिए अगर आप हमें समझा पाए। तो जो जी जी आज की डेट में सबसे, कहते हैं ना, एक हॉट टॉपिक होता है, जैसे कहते हैं सबसे गर्म चीज क्या है इस समय हमारे टैक्स की मार्केट में, वो न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम है। तो अपने सभी दोस्तों को ये समझा दीजिए कि अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो न्यू टैक्स रिजीम में पूरा दम है, अगर 8 लाख से कम है, और अगर वो उनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो न्यू टैक्स रिजीम में कम दम है, फिर आपको दम लगाना है टैक्स बचाने के लिए, हम जैसे एक्सपर्ट्स की मदद लेनी है, और 20 लाख तक आप अपना टैक्स जीरो कर सकते हो। हर दोस्त को या खुद को समझाओ कि ये पैसा मेरा है और मुझे बचाना है। पहली तो मैं यही शर्त करता हूँ, क्योंकि टैक्स देने का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, देशभक्ति हमारे दिलों में है, हमारी हर हर उसमें है, लेकिन टैक्स बचाने का भी अधिकार मुझे इसी कानून ने दिया है। तो मैं उस अधिकार को आपको कहता हूँ कि यूज करो और उसको समझने की कोशिश करो कि कैसे आपको टैक्स बच सकता है। बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जब हम सुबह जिम जाते हैं, रोज है ना एक्सरसाइज करते हैं, सिमिलरली आपको थोड़ा समय अपनी इस एक्सरसाइज पे देना पड़ेगा, और आप देखोगे धीरे धीरे आपकी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी बनने लगी है। लेकिन आप इसको इग्नोर करते रहोगे तो आप देखिए 15 लाख तक लगता तो है कि न्यू टैक्स रिजीम आसान है, अच्छी है, लेकिन वहां पर आप 1 लाख से ज्यादा टैक्स देते हो, और 1 लाख रुपए आपको पता है बचाने में कितनी मुश्किल होती है, और उसको जब आप कंपाउंड करोगे ना 30 साल, जब आप अपनी कमाई के जो पैसे आपने दे दिए सरकार को, उसके बदले आपको कोई पेंशन नहीं, बच्चे की फीस नहीं, कुछ भी नहीं, आप बीमार हो जाओ तो आपका वो भी नहीं कि हाँ आपको आप मदद चाहिए, आपकी जॉब चली जाए। लेकिन अगर आपने वो पैसा डाइवर्ट किया होगा कहीं इन्वेस्टमेंट्स में, कहीं इंश्योरेंस में, अपनी बचत में, तो चाहे वो NPS में, वो आपको मिलेगा, उसे कहते हैं टेक होम। हम उसे भी टेक होम कहते हैं, लोग कहते हैं जो आज मिल रहा है वो टेक होम है, नहीं, जो हमें समय पर मिल रहा है वो भी टेक होम है, लेकिन जो चला गया हाथ से, जो लक्ष्मी चली गई, वो आपको सरकार वापस नहीं देगी। इसलिए मेरी सलाह पहली तो वही है हर दोस्त को जो मेरा दोस्त बनना चाहता है, कि टैक्स बचाओ और अपना घर बढ़िया बनाओ, अपना जो परिवार का है वो फाइनेंशियल वेलनेस बढ़ाओ। दूसरी सलाह ये है कि आपको एक आपकी सैलरी का मेन कंपोनेंट है, जितनी भी मैंने सैलरी स्ट्रक्चर्स देखे हैं उसमें कुछ और हो ना हो, बेसिक सैलरी के साथ एक कंपोनेंट HRA होता है। तो आप दोस्त के घर में रह करके उसका किराया देंगे तो सरकार कोई इसमें गलती नहीं है, लेकिन ये जेन्युइन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए, और उसकी भी इनकम होती है। अगर वो कोई दूसरे शहर में रहता है और आप दूसरे शहर में, तो ऐसे में तो और बढ़िया है, वो कहते हैं ना, वो आपके घर में रह सकता है और आप उसके घर में रह सकते हो और HRA क्लेम कर सकते हो।
सिमिलरली नंबर तीन पे अगर आप एलटीए आपकी कंपनी देती है, अपने दोस्त के साथ घूमने भी जाइए और टैक्स भी बचाइए, क्योंकि एलटीए में जो आपको टिकट्स मिलती हैं वो अगर आप अपनी कंपनी को दे देते हो तो 4 साल में 2 बार दोस्त के साथ, उसके परिवार के साथ घूमने का, इससे अच्छा सरकार आपकी कैसे मदद करे और कैसे दोस्ती बनाए, तो इसलिए उसको भी यूज करना चाहिए। उसके अलावा यदि आप घर खरीदना चाहते हो और आपके पास पैसे की कमी है, आपको लोन लेना है, बैंक से भी कम मिल रहा है, तो आप अपने दोस्त से लोन लेकर के उसको ब्याज दे सकते हो और वो इंटरेस्ट आप अपने होम लोन में क्लेम कर सकते हो। अब जब आपकी सुविधा हो उसको दे सकते हो, जरूरी नहीं कि वो, बैंक का तो प्रेशर होता है कई बार कि ईएमआई अभी देनी है या ब्याज अभी इतना मिनिमम, लेकिन दोस्त कई बार क्या कहते हैं कि भैया 5 साल बाद इकट्ठे दे देना, तो आपको होम लोन का जो डिडक्शन है वो साल में जितना बनता है अक्रू होता है, चाहे आप पे करो या ना करो, चाहे 5 साल बाद पे कर रहे हो तब भी मिलेगा। तो ये दोस्ती में बहुत फायदेमंद होता है। कई बार दोस्त के पेरेंट्स के पास पैसा है, आप उनको भी मदद कर सकते हो, वो सीनियर सिटीजन हैं, उनको हायर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट जरूर देना है, पैसा वापस भी जरूर करना है। ऐसी गलती ना करें कि दोस्त का पैसा लेकर के हजम कर जाएं या उसमें साथ बेईमानी करें। देखिए अगर वो नियत होती है ना, उसका कहीं ना कहीं बुरा फल मिलता है। ऐसा नहीं सोचना है कि किसी का पैसा लेकर के आप चले जाएं, ये पैसा यहीं रह जाएगा और वो जो आपका दुर्व्यवहार है वो आपके साथ जाएगा, तो इसलिए उसको मैं मना करता हूं। आप अपने काम में ईमानदारी रखें, जरूरत पे एक दूसरे के काम आए। इसी तरह से अगर आपको दोस्त के साथ कुछ करना है तो गिफ्ट है जो मैरिज पे आप एक दूसरे को ले दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पैसा देंगे तो वो टैक्स लगता है, टैक्स मतलब पूरा टैक्सेबल है। आपको दोस्त को वैसे पैसा नहीं देना, या तो लोन या फिर मैरिज पे गिफ्ट। तो अगर मैंने मैरिज पे गिफ्ट दिया तो कोई लिमिट नहीं है। अगर मेरे दोस्त कोई, भगवान करे कि अंबानी जी जैसे या कोई मैं उनके जैसा, उनके लिए अंबानी जैसा हूं, तो मैं उनको कितना भी पैसा दे सकता हूं और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना दोस्त को ना मुझे। तो इतना अच्छा रिलेशन है जिसमें कि शादी पर आप एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हो। और इसके अलावा भी चाहिए तो देर आर अदर थिंग्स। अगर हम कार खरीदना चाहता है दोस्त, तो उसको कंपनी कार लीज के लिए सलाह दीजिए कि कंपनी कार लीज 50-60% कम पड़ती है कॉस्ट, जब हम 4 साल का लीज की टोटल कॉस्ट देखते हैं अगर हमने बैंक से लोन लिया है उसके मुकाबले। तो उसको समझने के लिए टैक्स एक्सपर्ट के साथ बात करें, कैलकुलेटर के साथ नहीं। कई बार लोग इधर उधर कैलकुलेटर गूगल ज्ञान में। सुधीर जी एक आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना होगा, टाइम बाउंड ब्रेक है। थोड़ा सा चर्चा बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास शो टैक्स मंत्रा फ्रेंडशिप डे स्पेशल में। सुधीर जी, ब्रेक में जाने से पहले आप बता रहे थे कि किस तरीके से ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव सही तरीके से करना चाहिए और उसमें टैक्स प्लानर की मदद ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है कि दोनों में से बेहतर क्या होगा आपके लिए, और इसके अलावा किस तरीके से आप अपना टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, किस आपका डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो एक तरीके से आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और कंजम्पशन भी एक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई कि टैक्स प्लानर से दोस्ती करना भी बहुत ही ज़रूरी है, उसे भी आपको एक एक बातें आपके फाइनेंशियल डिसीजन से जुड़ी एक एक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम थोड़े आपसे व्यू लेना चाहेंगे, थोड़ी मदद लेना चाहेंगे हमारे फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर्स के लिए या जो फ्रेशर्स हैं जो कि पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? समय की थोड़ी कमी है, 2-3 सवाल ही हम यहाँ पर ले पाएंगे, तो पहले तो इस पर राय दीजिए कि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? एक तो जो हमने देखा है, जो कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है या कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है कि अगर उनकी इनकम 7 लाख या 8 लाख से कम है और उनका टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है, जिसे हम कहते हैं बेसिक एग्जम्पशन या न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो पहले तो मैंडेटरी अपना जो ऑब्लिगेशन है वो जरूर पूरा करें, नहीं तो सरकार के पास बहुत डेटा है, वो आपको आज नहीं तो कल नोटिस भेजेगी, 1,000 या 5,000 आपसे लेट फीस तो कम से कम वसूल होगी और वो अब कोई माफ नहीं हो सकती। वो कहीं आप किसी लॉयर के पास जाओगे, सीए के पास जाओगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई माफी है। तो हजारों में अभी भी लोग, लाखों में शायद ऐसे हैं जो इस गलती के साथ चल रहे हैं।
दूसरा किसी का कई बार रिफंड होता है, जैसे हमने खास तौर पे अभी इस साल कुछ ड्राइवर्स के साथ काम किया एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो उसमें हमने देखा कि उनको मालूम नहीं था कि उनका 5,000-10,000 इस तरह का अमाउंट टीडीएस जो है वो वापस मिल सकता है। तो आपका पैसा भी फंसा हुआ है सरकार के पास, वो भी रिटर्न फाइल करने से मिलेगा। तो वो पहली बार जो कर रहे थे उनको शुरू शुरू में तकलीफ आई, यार इतना काम, ये ओटीपी वो करना है, लेकिन ये सब सिक्योरिटीज आपके पैसे की और आपके डाटा की रखवाली के लिए सरकार ने की है, इसको पूरा करें और अपना रिफंड भी लें। इसके अलावा जो लोग पहली बार जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या दूसरी बार कहीं पर जाना चाहते हैं, अपने सैलरी स्ट्रक्चर को कंपनी की दी हुई सारे बेनिफिट्स को यूज करने के लिए अगर नहीं समझ आता तो उसमें झिझकना नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ पहले दिन किसी को भी नहीं आता, मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता था, शायद अब भी कुछ कम रह जाए, लेकिन हमें किसी एक्सपर्ट से बात जरूर करनी चाहिए कि ये क्यों है या मैं इसको कैसे अवेल करूं या क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो जो कंपनी आपको बेनिफिट देती है उसका पर्पस ही ये है या इनकम टैक्स लॉ में बनाया गया है कि आपकी लाइफ बेहतर हो, ना कि ये कि आप टैक्स दे दो। टैक्स देने में आसानी है, आपको कुछ पेन ही नहीं हो रहा, ये एक तरह का ब्लड प्रेशर, मैं बार बार कहता हूँ, ये जो हर महीने आपका टैक्स कट रहा है ये आपकी वेल्थ को और आपकी फाइनेंशियल वेलनेस को कम कर रहा है, घटा रहा है, किसी दिन आपको क्रंच आएगा फाइनेंशियल और आपको लगेगा मैंने 10 साल 20 साल 40 साल जो काम किया पैसा नहीं बना पाया, लेकिन गलती किसी और की नहीं, सबसे बड़ी गलती आपकी होगी, क्योंकि ये पैसा आपका है, इसको समझना और इसको बचाना या इसको बढ़ाना आपका काम है। हाँ, आप मदद लीजिए अपनी कंपनी की या हमारे जैसे किसी एक्सपर्ट की। इसके अलावा जो लोग नई कंपनी से दूसरी कंपनी में जल्दी जल्दी शिफ्ट करते हैं, उनकी भी अपनी एक मानसिकता है कि मुझे जल्दी जल्दी तरक्की चाहिए या जल्दी जल्दी मुझे नए एक्सपीरियंस चाहिए, उनको जॉब चेंज करते हुए एक बात जरूर ध्यान रखें कि अपने एम्प्लॉयर को पिछले एम्प्लॉयर का फॉर्म 16 दे दें, नहीं तो आप लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हमने देखा है बहुत लोग परेशान होते हैं, अचानक से टैक्स की देनदारी आ जाती है और वो टैक्स की देनदारी उनको बिल्कुल समझ नहीं आती, पैसे जेब में नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये सलाह है। तो ये जो नए लोग हैं जिन्होंने जो इसमें आए हैं और सेविंग की हैबिट है, जिसे कहते हैं ना अच्छी आदत, जैसे सेहत के लिए जरूरी है वैसे ही पैसे बनाने के लिए, सिर्फ मेहनत करके आप पैसा कमा सकते हो लेकिन उस पैसे को बचाना या बढ़ाना ये अगली शिक्षा है। ये नौकरी पाने के लिए आपने पढ़ाई की है 20 साल, तो आपको कुछ ना कुछ तो बचाने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा या किसी की सलाह लेनी पड़ेगी। तो इग्नोर मत करिए, अपना पैसा समझिए, लव योर मनी, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, अपने पैसे को प्यार करो और किसी की मदद से बचाओ, जैसे आप अपने बच्चे के साथ कुछ होता है सिमिलरली अपने पैसे को भी अपना बच्चा समझिए कि मुझे इसे बचाना है और बचेगा तभी, नहीं तो नहीं। ऑन दैट नोट, काफ़ी बेहतरीन सलाह थी आपकी तरफ से कि पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो पैसे जो बच रहे हैं वो आपकी ज़रूरत पे ही काम आ सकते हैं। टैक्स देने से बहुत कुछ फ़ायदा यहाँ पर नहीं होगा, अगर आप प्लानिंग कर सकते हैं प्रॉपरली तो फिर आप बिल्कुल टैक्स प्लानर की यहाँ पर मदद दीजिए। सुधीर जी, एक आखिरी सवाल होगा जाते जाते आपसे, क्योंकि आप ITR फाइलिंग के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे, ITR फाइल करने की डेडलाइन अब निकल चुकी है, तो उस पर भी थोड़ी आपसे मदद लेंगे कि अगर आप किसी ने मिस कर दिया है वो डेडलाइन तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? अभी हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं जिसे, हमारी जो टेक्निकल भाषा में, यानी कि आप देरी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन अब आपको लेट फीस देनी पड़ेगी और वो लेट फीस 1,000 या 5,000 है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 है, अगर उससे ज्यादा है तो 5,000 है। उसके अलावा आपका जो इंटरेस्ट, अगर कोई टैक्स पेबल कोई देनदारी बच गई है या तो हमारा पूरा टैक्स डिडक्ट हो गया था तो कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसकी जो कॉम्पिटिशन है वो करनी पड़ेगी। और इस बार मतलब खास ध्यान रखिए लोगों को, वैसे तो लास्ट टाइम भी हमने कहा था AIS को जरूर चेक करना है। बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि हमारा कैपिटल गेन नहीं है, मैंने कुछ नहीं बेचा है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड में स्विच कर रहे होते हैं इधर से उधर या कोई और इन्वेस्टमेंट बेची होती है, वो डाटा वहां रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे ही आप फाइल करोगे आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी, आपको डबल काम करना पड़ेगा, फिर से उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो डाटा मैच कर रहे हैं इंस्टेंटली। तो कोशिश करिए कि आप वहां पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है या तो वो सही नहीं है तो उसको पहले तो उसको अपना ऑब्जेक्शन रेज करिए पोर्टल पे जाके, इनकम टैक्स की किसी प्रोफेशनल की मदद ले, लेकिन अगर वहां दिख रहा है तो उसे डिक्लेयर करो। कई लोग कहते हैं नहीं मेरा एक एम्प्लॉयर की इनकम दिखा दो, कुछ लोग बोलते हैं मेरा कैपिटल गेन मत दिखाओ, कुछ लोग बोलते हैं मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन मत दिखाओ, मेरा लॉस मेरे घर वालों को पता लग जाएगा। तो ऐसे में
ये बात मुझे नहीं समझ में आती है कि आपने ऐसे काम किए हैं जिन्हें आज आप बताते हुए डर रहे हो, कल सरकार फिर से नोटिस भेज के उसको, क्योंकि वो तो रिकनसाइल करेंगे डेटा, वो नहीं बच सकते हो आप, तो उसको पहले उसमें ही मान लीजिए कि जैसे सही रिकनसिलेशन हम करते हैं ना P&L का या बैलेंस शीट का, ट्रायल बैलेंस का, यहाँ पर भी सरकार आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मिला रही है और वो उसके बिना फाइलिंग आपकी अधूरी होगी, जी तो उसको दूर करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। 31 दिसंबर अगर अभी तक लास्ट डेट फाइल है, नहीं पूजा किया जी है तो अभी सबके भी को। समय है, फाइल कर दीजिए। हाँ जी, 31 दिसंबर से पहले। जी, 31 दिसंबर के पहले आप कर लीजिए, वरना अब वैसे तो फाइन अब आपको अभी भी देना पड़ेगा, लेकिन बड़े फाइन बड़े पेनल्टी से बचने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि 31 जुलाई के पहले ही आप फाइल कर दें, लेकिन अभी भी आपने नहीं किया है तो मौका अभी भी है, आप कर सकते हैं दोबारा से भारी पेनाल्टी से आगे बचने के लिए। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए थैंक यू। फिलहाल इस शो में इतना ही, और ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।